हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल हाईवे स्टडी गुरु। इस चैनल पर मैं हाईवे एंड हाईवे मटेरियल टेस्ट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेटेस्ट बिगेन। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हाउ टू प्रूव 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। जब हम लैब में क्यूब टेस्ट करते हैं तो उसके स्ट्रेंथ लिखने के बाद उसका यूनिट लिखते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल एमपीए। इसी के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट मेगा। मेगा का मतलब होता है 10^6 और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पहले डेराइव कर लेते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन मतलब 1 न्यूटन, मीटर को हम जब मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 होगा, 1000 × 1000 यानी ये हो गया 1/10^6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब मेगा पास्कल इक्वल टू हो जाएगा 10^6 × न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ डिराइव कर चुके हैं जो कि है 1/10^6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये ए 1 मेगा पास्कल इक्वल टू हो गया 10^6 × 1/10^6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये 10^6 और ये 10^6 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसी क्रम में हम एक दूसरे टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है हाउ कैन वी कैलकुलेट रेट ऑफ लोडिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन एज पर IS 5.6। एज पर IS 5.6 रेट ऑफ लोडिंग जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हम लोग जानते हैं 1 kg इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है और 1 kN इक्वल टू 1000 न्यूटन होता है। अगर हम 1 kg को किलो न्यूटन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 1 kg इक्वल टू 9.81/1000 इक्वल टू 0.00981 kN। अब 140 kg को हम पहले किलो न्यूटन में बदलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 140 × 0.00981 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.3734 kN। यहाँ जो हम क्यूब का साइज लिए हैं 150 mm × 150 mm है या 15 cm × 15 cm है तो सरफेस एरिया जो उस क्यूब का आ जाएगा 15 × 15 यानी 225 cm². तो 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1.3734 × 225 = 309.015 kN/min से 309 kN/min हुआ। दूसरा जो नया कोड रिवाइज किया है IS 5.6 Part 1 Section 1 2021, इसमें रेट ऑफ लोडिंग दिया है 14 N/mm²/min। पुराने वाले में जो हम लोग मानते थे 1 kg = 9.81 N उसको राउंड अप में 1 kg = 10 N माना है यानी 10 kg/cm² = 1 N/mm², दैट इज 1 kg/cm²/min हो गया ये 14 N/mm². अब हम जानते हैं 1 kN में 1000 N, तो 14 N को जो हम kN में चेंज करेंगे तो उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.014 kN। इसमें भी क्यूब का साइज 150 mm × 150 mm ही है तो सरफेस एरिया हो जाएगा 150 × 150 यानी 225 mm² हुआ।
अब 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट इक्वल टू हो जाएगा 0.014 इंटू 225,000 इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 315 किलो न्यूटन पर मिनट। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट दैट इन कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। थैंक यू।